हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम ल्यूसेंट बुक का टॉपिक 10 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 9 टॉपिक्स पूरे करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट सो कि आपका कंटिन्यूटी में चलता रहे। आज के टॉपिक में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क करेंगे, वही करेंगे जो बुक में दिया है। वैसे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है, बट हम बुक वाले करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे नेम दिया है, उसका लोकेशन दिया है, साथ साथ में मैं आपको कुछ कुछ बताते चलूँगी, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, क्योंकि पिछले बार एग्ज़ाम में ऐसा आया था कि वन हॉर्न राइनो जो है वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आपको उनके एनिमल्स जो हैं वो भी याद करते चलना है। ठीक है, फर्स्ट इज़ बंदीपुर नेशनल पार्क विच इज़ इन मैसूर कर्नाटका। सो ये बना था 1974 में। ओके, 1974 में बना था। एंड यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, ग्रे लैंगूर, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, लेपर्ड्स, सांबर डियर, ठीक है, ये सारे जो हैं, एंड रेड हेडेड वल्चर, ये सारे यहाँ के बहुत ही फेमस या इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज़ बालफाक्रम सेंचुरी, ये नेशनल पार्क है, सेंचुरी भी है, दिस इज़ इन मेघालय गारो हिल्स में। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा, एलिफेंट, एंड यहाँ पे 8 स्पीसीज ऑफ अलग अलग कैट पाई जाती है। कैट के स्पीसीज में टाइगर्स ये सब भी आते हैं, मार्बल कैट जो होती है वो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट इज चंद्रप्रभा सेंचुरी, और ये कहाँ है, चिंडौली यूपी में। सो ये जो चंद्रप्रभा सेंचुरी है ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, एंड ये 1957 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बना था पार्क इंडिया का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके वजह से इसमें बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले का नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ये कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में, एंड बना कब था, 1963 में। नेक्स्ट इज दचिगम सेंचुरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड जम्मू एंड कश्मीर में है तो यहाँ से इसका एनिमल जो है वो आपको इजीली याद हो जाएगा, कश्मीरी स्टेज। ठीक है, कश्मीरी स्टेज जो है वो यहाँ का सबसे पॉपुलर एनिमल है, जिसके लिए लोग यहाँ पे बेसिकली विजिट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मस्क डियर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। ये बना कब था, एज अ प्रोटेक्टेड एरिया तो ये बहुत ही पहले से था, लेकिन इसको एज अ सेंचुरी बोला गया था 1981 में। ओके, नेक्स्ट इज़ दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर यूपी में है, और दुधवा नेशनल पार्क में फेमस क्या है, टाइगर एंड स्वाम्प डियर, ये एक टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था 1979 में, एंड एज अ नेशनल पार्क इट वॉज इन 1977। सो दिस इज़ बंदीपुर नेशनल पार्क, जैसे कि आपको दिख ही रहा है टाइगर के लिए फेमस, एंड दिस वन इज़ बालफक्रम नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज़ घाना बर्ड सेंचुरी, ये भरतपुर राजस्थान में है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बर्ड सेंचुरी है, तो ये बर्ड्स के लिए फेमस है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारी आती है जिसकी वजह से ये फेमस है। ये अराउंड 250 ईयर्स पुराना है, यहाँ पे बर्ड्स की हाउसिंग की जाती है, ये एक रामसर साइट भी है अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन, एंड इसको 1981 में बनाया गया था। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, ये आप सबको पता होगा जूनागढ़ गुजरात में है, आपको सिर्फ स्टेट भी याद कर लोगे तो काफ़ी है। गिर नेशनल पार्क में क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, एशियाटिक लॉयन, इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये 1965 में बना था, इसको ज्वेल ऑफ गुजरात इकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज हजारीबाग नेशनल पार्क, जो कि हजारीबाग झारखंड में है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे वाइल्ड बोर मिलते हैं, ठीक है, एंड स्लोथ बियर मिलते हैं, नील गाय मिलती है वो यहाँ का एक अलग चीज़ है, एंड टाइगर्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज जलपाड़ा सेंचुरी, ये एक सेंचुरी है जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, ये एमपी में है, मांडलायन बालाघाट, ठीक है, एमपी में, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड डॉग भी देखने को मिलता है, स्लॉथ बियर भी होता है यहाँ पे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बारहसिंगा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट एक तरीके से नेशनल पार्क माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनो को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे वन हॉर्न राइनो देखने के लिए मिलता है। अगला है मानस नेशनल पार्क, जो कि बारपेटा रोड आसाम में है, यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है, गोल्डन लंगूर, वाइल्ड वाटर बेफेलो, इसके लिए काफ़ी फेमस है वाइल्ड वाटर बेफेलो के लिए, और यहाँ पे एक आसाम रूफ्ड टर्टल मिलता है,
ठीक है, ये कब बना था, 1990 में। नेक्स्ट इज माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। सो आपको ये पता होगा जो माउंट आबू है दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज और ये अरावलीज में देखा जाता है। ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बनी थी 1980 में एंड यहाँ पे सेंचुरी है उससे आपको पता चल रहा होगा तो यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है, यहाँ पे मोर देन 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ मधुमलाई सेंचुरी, ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंडियन एलिफेंट्स, देन बंगाल टाइगर और यहाँ पे काफ़ी सारे एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज नामदफा नेशनल पार्क, ये चंगलंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये अगर याद नहीं हो रहा तो ना करो, लेकिन स्टेट्स याद कर लेने हैं आपको सारे और उनके इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे हिमालयन बियर्स, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड्स, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे पैंथरीना स्पीसीज मतलब जो लेपर्ड्स होते हैं उसके काफ़ी सारे वैरायटी देखने के लिए मिलते हैं एंड यहाँ का वेजिटेशन भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 100 राइनो है तो ये क्या होगा आप बताओ मेरे को, एंड ये है घाना। अगला है पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में देखने के लिए मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको ये एक टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे टाइगर ही देखने के लिए मिलता है। ये IUCN की कैटेगरी 2 लिस्ट में आता है। ठीक है, झारखंड का एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे नहीं दिया है वो है बेटला नेशनल पार्क। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का नेशनल पार्क, उसको आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट इज फखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वारंगल तेलंगाना में है। ये जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका मेन अट्रैक्शन क्या है कि ये एक मैनमेड लेक के ऊपर बना है। ठीक है, तो लोग जो भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं वो लेक के लिए आते हैं, तो अब पानी है सब, तो यहाँ के एनिमल्स जो हैं वो भी वाटर एनिमल है जैसे कि क्रोकोडाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये MP में है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेयर एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, एंड फौना भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज पेरियार नेशनल पार्क, ये इडुक्की केरला में है। यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट देखने के लिए मिलता है, ये 1983 में बना था एंड अलॉन्ग विद नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व भी है। नेक्स्ट इज रंगनाथी तू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, ये बना था 1940 में। यहाँ पे मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखा जाता है, स्पेशली वाइट स्ट्रोक, नॉर्थन शोवलर्स एंड सबेरियन एंड हिमालयन माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। सो ये बेसिकली एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था मुगल एम्परर्स एंड ग्वालियर महाराजास का, लेकिन इसको 1958 में नेशनल पार्क बना दिया गया। यहाँ पे नील गाय, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड पिग्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, वेस्ट बंगाल में है और यहाँ क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे मोर देन 400 टाइगर्स हैं, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना काफ़ी डेवलप्ड है। ये 1984 में बना था, ये एक टाइगर रिजर्व भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट वन इज वेदांग थंगल बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी एंड आपने नोटिस किया सब 19th में बने हैं, ये 1858 में बन गया था। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया किसका है, बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे सैंड पाइपर एंड बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बर्ड देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वाइल्ड एस सेंचुरी, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। ये 1972 में बना था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस एंड एशियाटिक वाइल्ड एस देखने के लिए मिलता है एंड ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलते, सिर्फ इस सेंचुरी में देखने के लिए मिलता है। एंड द लास्ट वन इज़ महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क, ये वंडूर पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये एक मरीन पार्क है तो इसमें मरीन लाइफ के ऊपर फोकस किया जाता है ज़्यादा और उनके प्रोटेक्शन के ऊपर, जैसे कोरल एंड नेस्टिंग टर्टल्स। ये बना था 1983 में। सो दिस इज़ फखाल, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि वो एक आर्टिफिशियल लेक पे बना है, मैन मेड,
तो ये वही है, ठीक है, ये लेक है एंड ये इसका अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं। दिस इज़ सुंदरबन, ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एंड ये है पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन फॉर यू, तीन क्वेश्चन जैसे हर सेशन के बाद होते हैं, तो आज के तीन क्वेश्चन हैं, आपको ये कहाँ पे है वो बताना है एंड इनके कौन से एनिमल के लिए जाना जाता है ये वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, सेकेंड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द थर्ड वन इज़ कान्हा नेशनल पार्क। इन तीनों का लोकेशन एंड द एनिमल इट इज़ फेमस फॉर यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन आवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉर गेटिंग मोर स्टडी मटीरियल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।